जो टेस्ट सीरीज है हमारी नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे, एम्स बीएससी नर्सिंग या जो भी स्टेट वाइज नर्सिंग्स हैं उन सभी के लिए हमारा जो मॉडल पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर जैसा एज इट इज आपके एग्जाम में आने वाला है, जैसा कि हमने अपने टेस्ट सीरीज में बोला था 10+ आपके मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, वो मॉडल टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है दैट विल बी फ्री फॉर ऑल। ओके, मतलब जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है उन्हें तो ये सारे मॉडल टेस्ट मिलेंगे, जितने भी हमारे 10, 12, 15 मॉडल टेस्ट पेपर्स होंगे वो सबको मिलेंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। लेकिन जो हमारा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल है, सो दैट हम ये आइडिया लगा सकें कि तुम लोगों की रैंक, अगर इतने सारे बच्चे एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है वो बिल्कुल फ्री है और उससे सभी को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आने वाला है। बाकी के जो पेपर है वो टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चों को ही दिखेंगे, बट जो फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है वो सभी के लिए है। तो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉसेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो जून में होने वाला है उसके लिए अब आपके पास बहुत ही कम टाइम रिमेनिंग है, मीन्स कम से कम आपके पास आज से लेके अगर आप जून तक की बात करो तो आपके पास 4.5 मंथ्स का टाइम है, यानी 4.5 महीने का टाइम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लिखा ओनली 4.5 मंथ्स लेफ्ट फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो कि तुम्हारा डेट फाइनलाइज हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली 8 जून को आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट होना है। तो फिर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आर यू प्रिपेयर्ड? 8 जून को एग्जाम होने वाला है, 4.5 महीने का टाइम है, क्या आप सब रेडी हैं? अगर आपका आंसर है नहीं, नहीं का मतलब यह है कि आपने अब तक बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आपको कोई नॉलेज नहीं थी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और आप चाहते हो कि आप आज से पढ़ना स्टार्ट करो, तो उनके लिए जो प्रोबेबिलिटी है फॉर गेटिंग सिलेक्शन वो बाकी लोगों से थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर आपने आज से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आपको वो क्या चीज करनी है कि वो जो प्रोबेबिलिटी जो अभी कम थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वो लोग जो 20-30% अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो उनके लिए भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे कि 20-30% सिलेबस कवर है तो आपको आगे 4.5 महीने में कैसे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और ऐसे करना है कि आपका सिलेक्शन भी हो। एंड द लास्ट वन इज वो बच्चे जो एक्सलेंट बच्चे हैं जिन्होंने 60-70% अपना सिलेबस कवर कर लिया है, तो इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी रिविजन स्ट्रैटेजी है, जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रिविजन स्ट्रैटेजी बता दो कि किस तरह हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो बच्चे हैं ब्रिलियंट बच्चे जिन्होंने 60-70% सिलेबस कवर कर लिया है उन सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिविजन स्ट्रैटेजी को लेके। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया और जिनका सिर्फ 20-30% सिलेबस कवर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, जिन्हें कोई आइडिया नहीं था बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एम्स का जो कंडक्ट होगा और जून में होने वाला है उन सभी के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं हमारे जो एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है इसके अंदर आपके आते हैं 4 सब्जेक्ट। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं जो आज से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये है, आपका सबसे पहले आता है बायो, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड फाइनली जीके। तो बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सबसे कम इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जीके। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और उन्हें पता है कि जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे जीके के आने वाले, ठीक है, ये जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है, 30 बायो 30 फिजिक्स एंड 30 केमिस्ट्री 10 जीके। तो जो लोग 8 महीने पहले 9 महीने पहले या 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जीके के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं
उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10 क्वेश्चन के पीछे अपना बाकी का टाइम वेस्ट करें। तो सिर्फ उन 10 क्वेश्चन को कवर करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, नर्सिंग टू नॉर्थ से टैप डाउनलोड करो और उधर आपको सेपरेट जीके के लिए एक कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप वो सेपरेट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और एक कंबाइंड कोर्स भी है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जीके के लिए सिर्फ तुम्हें ये करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाएगा और जीके पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे जाके सेपरेट जीके का एक पोर्शन है, वहां पे एक सेपरेट जीके का कोर्स है, वो तुम्हें ज्वाइन करना है, ठीक है। ये है उनके लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है। अब बात करते हैं ये बाकी के 3 सब्जेक्ट को क्या करना है। तो 3 सब्जेक्ट में तुम्हारा बायो में तुम्हें सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं, जो मैंने तुम्हें एक सिलेबस बताया है जिसमें कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं, ठीक है, और कुछ नए पोर्शंस उसके अंदर ऐड हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी एनसीईआरटी से वो सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एंड फाइनली दो चीजें करनी है, 4.5 महीने का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो सिर्फ एनसीईआरटी कवर करनी है, जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन अच्छे से जितना तुम्हें याद हो सके ना उतना याद करो। लोग कहते हैं कि बायो में रट्टा मारते हैं बच्चे, मारो रट्टा, रट्टा मारने से अगर एग्जाम क्लियर हो रहा है तो बायो में तुम रट्टा ही मारो, ठीक है। जितनी भी चीजें उसके अंदर, इतनी सारी चीजें हैं तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि तुम उसे समझ के क्लियर कर सकते हो, ये बायो है। बायो में 20% चीजें होती है जो तुम्हें समझनी होती है, बाकी चीजें तुम्हें अच्छे से याद करनी होती है, ठीक है। तो रट्टा मारना ही पड़ेगा तुम्हें, एनसीईआरटी करनी है, एंड देन लास्ट तुम्हें करना है क्वेश्चन। बस ये दो काम करने हैं जिनके पास 4.5 महीने, जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट करो सारे चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए मैंने बताया तुम्हें या तो एक बुक परचेज करो, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, या फिर एक अच्छा सा टेस्ट ले लो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो लेना ले सकते हो। लास्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स की। ओके, तो फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में एनसीईआरटी तो नहीं कर सकते क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी इतनी ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करो जितने ज्यादा अटेंड कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हर एक चैप्टर के फॉर्मूले लर्न करो, ठीक है। ये फॉर्मूले भी तुम्हें नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले लर्न करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगी, तुम लेक्चर अटेंड कर पा रहे हो, अगर तुम्हें इतना टाइम मिल पा रहा है तो लेक्चर अटेंड करो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम नहीं कवर कर पाओगे लेक्चर से, तो तुम्हें सिर्फ करना है हर एक चैप्टर के फॉर्मूले लर्न करो और फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बस दिस इज इनफ फॉर फिजिक्स। अगर तुम आज से प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारे पास 4.5 महीने का टाइम है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। एंड द लास्ट वन इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, एक तुम्हारी ऑर्गेनिक है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है और एक तुम्हारा इनऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है उनके लेक्चर्स अटेंड करो, जो उसके फॉर्मूले है वो लर्न करो, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑर्गेनिक में तुम्हें नेम रिएक्शन सारी लर्न करनी है, ठीक है। IUPAC जितने भी टाइप के होते हैं, जितने भी लेवल के IUPAC नोमेनक्लेचर होते हैं, वो सारे के सारे लर्न करने हैं। एंड फाइनली जितने क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन करो, लेक्चर वगैरह कुछ अटेंड नहीं करना है यहाँ पे। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके तुम रट्टा मारो, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक तुम्हारा ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर आपके पूरे 13, 14, 15, 16, 18 ये सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर नीट के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे तुम्हें कवर करने हैं। ये सारा काम करना है तुम्हें केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, और जीके के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, आज से स्टार्ट करो, 4.5 महीने का टाइम है, मैं आज फाइनली बोल रही हूँ। आज से अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया तो भूल जाना, तुम्हें एम्स मिलेगा इस साल, नेक्स्ट ईयर मिल सकता है, 2025 के आराम से तैयारी करो, कोई तुम पे बर्डन नहीं है। लेकिन अभी चाहते हो 2024 का एग्जाम क्लियर करना, तो प्लीज आज से पढ़ना स्टार्ट करो, जो बताया है जैसे बताया है फॉलो करो। अगर तुम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें लेक्चर नहीं अटेंड करना मत करो,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा जो चांसेस है सिलेक्शन का वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिनका 20 to 30% ही सिलेबस हुआ है अब तक। ओके, तो अब वो बच्चे हैं जिनका सिर्फ 20 to 30% सिलेबस कवर हुआ है और उन्हें क्रैक करना है एम्स का एग्जाम, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी हमारे पास वही सेम है, चार सब्जेक्ट आपके पास जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं वो जीके है, तो तुमने टेस्ट सीरीज ले रखी है, बस उसकी चिंता नहीं करनी। बाकी बात करते हैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 20 to 30% सिलेबस कवर है। इसका मतलब अभी भी तुम्हारे पास 70 to 80% सिलेबस है जो नहीं हुआ है, तो इसको किस तरह करना है? 70 to 80% सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायो में भी वन शॉट लेने हैं आपको लेक्चर अटेंड, फिजिक्स में भी वन शॉट और केमिस्ट्री में भी वन शॉट, क्योंकि तुम्हारा 20 to 30% सिलेबस कवर है, तो जो बाकी है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वन शॉट लेक्चर अटेंड करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। बायो की बात करें तो वन शॉट लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर करो। ठीक है, लाइन टू लाइन रीड करनी है एनसीईआरटी, सिर्फ इतना करना है एनसीईआरटी, सिर्फ बायो के लिए तुम्हें ये करना है, एंड फाइनली लास्ट में देने हैं हर एक चैप्टर के टेस्ट, खत्म, और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा फिजिक्स, फिजिक्स में वन शॉट लेक्चर अटेंड करना ही है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फिजिक्स में वन शॉट पक्का से पक्का करना है। उसके बाद सारे फॉर्मूले सेम वही रहेगा आपका, जो भी सिलेबस रह गया उसके सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, जब सारे फॉर्मूले लर्न हो जाए उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी हो सकती है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें देना है हर एक चैप्टर का टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं टेस्ट को इसलिए लेके फोकस करती हूँ, टेस्ट इज द अल्टीमेट, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, टेस्ट करो जहां मर्जी वहां से कर सकते हो करो। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वन शॉट करना है, उसके बाद सारे नेम रिएक्शन लर्न करने हैं जितने भी हैं तुम्हारे नेम रिएक्शन, उसके बाद जो पी ब्लॉक है उसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे लर्न करने हैं। ठीक है, एंड द लास्ट क्या है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यही हर एक सब्जेक्ट का तुम्हारा अल्टीमेट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टेस्ट करो। ठीक है, अब एक और चीज क्या है जो यहाँ पे कॉमन है, वो ये चीज है कि आपको यहाँ पे करना है PYQs, एक साल का मिले दो साल का मिले लेकिन वो PYQs अटेम्प्ट करो और फिर देखो कि किस पोर्शन से तुम्हारा कितना आ रहा है। ठीक है, लाइक पी ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें PYQs करना है और उसको एनालाइज करना है, ये उन लोगों के लिए जिनका 20 to 30% सिलेबस कवर हो गया है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी 70 to 80% सिलेबस कवर करना है, और उस कवर करने को इस तरह कवर करना है जैसे मैंने बताया आपको, वन शॉट लेक्चर अटेंड करने हैं, क्योंकि पास तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक लेक्चर को डीपली जाके पढ़ो और उस चीज को समझो। ठीक है, तो जितना चीजें बताई है मैंने अभी, अगर तुम ये चीजें सारी फॉलो कर रहे हो और तुम्हें अपना सिलेबस टारगेट लेके चलो कि तुम्हें अपना सिलेबस अप्रैल तक खत्म करना है, सॉरी अप्रैल नहीं मई तक, टेंथ मई तक तुम्हारा सिलेबस अगर खत्म हो जा रहा है, उसके बाद का जो टाइम है वो सारा टाइम तुम्हें देना है अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, और रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपको अपना सिलेबस कवर करना है, और ये जो तरीका है इस तरह से सिलेबस कवर करना है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, और जितना ज्यादा पढ़ोगे जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे आगे चल के तुम्हें उतना ही उसका फल मिलेगा। ठीक है, बाय बाय।